हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी बींग्स। आज की वीडियो में हम बनाएंगे मीठी मीठी प्रसाद वाली बूंदी। तो सुनकर कुछ लोगों के मुंह में तो पानी आ गया होगा। चलो बूंदी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ये बेसन लिया है और इसमें मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पानी मिला रही हूँ और इसे अच्छे से, ज़्यादा पानी मिलाएंगे तो हम इसमें गुठलियाँ हैं जो अच्छे से ब्रेक नहीं होंगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इस तरह से अच्छे से मैश करते हुए अच्छे से गुठलियों को तोड़ दें। पानी को इस तरह से धीरे धीरे मिलाते हुए डालें जिससे कि एक चिकना पेस्ट अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। बस आपको ये याद रखना है कि पानी को एक साथ नहीं डालना है उसमें, धीरे धीरे इस तरह से। अगर आप चम्मच की मदद से सही से नहीं कर पाते हो तो आप इस तरह से हाथ की हेल्प से गुठलियों को तोड़ सकते हो। चम्मच की मदद से थोड़ा धीरे रहता है और हाथ से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। जैसे भी आपको ठीक लगे आप वैसे यूज करो। बूंदी बनाने के लिए ये हमारा पेस्ट बनकर तैयार है। ये कुछ इस तरह से है, ना गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा फूड कलर लिया है। साइड में कढ़ाई को गर्म करने रख दिया है। अब हम बूंदी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने यहाँ पर बूंदी वाला झारा लिया है, इसमें पेस्ट को डालकर इस तरह से बूंदी को झाड़ लें। अगर बूंदी सही से नहीं बन रही है, कुछ खोखली टाइप से बन रही है, तो इसका मतलब है कि आपका पेस्ट है जो ज़्यादा पतला हो गया है और उसमें आप बेसन ऐड कर दीजिए। ये देखिए हमारी गोल गोल अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी क्यूट सी बूंदी बनकर तैयार होने वाली है। बूंदी सिक जाने के बाद किसी भी छलनी में इस तरह से बूंदी को निकाल दीजिए जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। जब आप दोबारा से बूंदी झा रहे हैं तो ऑयल को फिर से मध्यम आग पर अच्छे से थोड़ा गर्म कर लीजिए, फिर उसमें बूंदी डालें। नहीं, अगर आप ठंडी कढ़ाई में बूंदी डाल दोगे ऑयल में तो वो अच्छे से फूलेगी नहीं, चपटी जैसी बन जाएगी कुछ। और आप इस तरह से सारे बेसन के अब बूंदी झाड़ लीजिए। अब मैं यहाँ कढ़ाई में एक कप चीनी ले रही हूँ चाशनी बनाने के लिए और आधा कप पानी लूँगी इसके लिए। इस तरह से चम्मच से चलाते हुए चीनी को घोल लें और इसे दो तीन मिनट के लिए पका लें अच्छे से। इसमें चाशनी, कोई तार वाली चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ी सी बस चिपचिपी सी चाशनी ही चाहिए। एक छोटे से कप से मैंने बेसन लिया था और ये देखिए कितनी सारी बूंदी बन गई हैं उससे। मीठी बूंदी बनाना बहुत ही इजी है। आप कभी भी मंगलवार शनिवार जब भी प्रसाद चढ़ाते हो, बाहर के लाने से अच्छा है कि हम घर पर बनाकर ही भोग लगाएं।
मैंने यहाँ पर इसको 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया है और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड कर लिया है। कलर को अच्छे से चम्मच की मदद से मिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लें। चाशनी को बीच बीच में इस तरह से चेक करते रहें, चिपचिपी ना रहे ज़्यादा, कोई तार नहीं चाहिए उसमें। अगर चाशनी ज़्यादा हो रही है तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिला दीजिए और जो हमने बूंदी सेकी है उन सारी बूंदियों को इस चाशनी में डालकर अच्छे से 5 से 6 मिनट के लिए पका लीजिए। बूंदी डालने के बाद भी चाशनी को बीच बीच में चेक करते रहना ज़रूरी है, नहीं तो वो टाइट हो जाएगी और उसके अंदर बूंदियों के अंदर चाशनी अच्छे से नहीं जाएगी, वो ऊपर ही एक परत के रूप में जम जाएगी। चाशनी जब भी आपको गाढ़ी लगे और चिपचिपी ज़्यादा होती जाए तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर दें और बीच में बूंदियों को दबाकर अच्छे से चेक करते रहें। 2 से 3 मिनट के लिए आप बूंदी को ढककर पका दें जिससे कि जो चाशनी है वो बूंदियों के अंदर अच्छे से चली जाए और वो रस वाली अच्छे से बन जाए, नहीं तो वो अंदर से ड्राई रह जाएगी। यहाँ पर हमें चाशनी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा कि चाशनी टाइट ना हो जाए, नहीं तो बूंदी अच्छी नहीं बनेगी। सारी चाशनी है जो बूंदी के ऊपर ही एक लेयर के रूप में बन जाएगी और अंदर से वो मीठी नहीं हो पाएगी। फिर मेरे पास यहाँ खरबूजे के बीज थे तो मैंने थोड़े से डाल लिए हैं, ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल लो, अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। और ये देखिए सारी चाशनी बूंदी के अंदर अब्जॉर्ब हो गई है और ये हमारी बूंदी बनकर तैयार है। अब हम इन्हें किसी भी बर्तन में निकाल सकते हैं। आप लोग भी इस तरह से बूंदी बनाना ट्राई ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ। Thanks for watching.